ये कहा गया था कि इसमें तकरीबन 25 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे, क्या 25 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, असर कैसा रहा? जाहिर सी बात है जब ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई चीजों को लेकर हड़ताल होगी तो रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के जरिए खबर आप तक। देश के कई ट्रेड यूनियन और संगठनों ने आज केंद्र सरकार की एंटी नेशनल अर्थव्यवस्था विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया, जिसका असर देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली और लखनऊ की, जहां प्रदर्शनकारियों का सरकार के खिलाफ आक्रोश था। लेकिन आज के प्रदर्शन का बड़ा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जहां बंगाल के गुवाहाटी ईस्ट मिदनापुर में प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ NH-41 को जाम किया, साथ ही हावड़ा में ट्रेन भी रोक दी गई। वहीं सिलीगुड़ी में राज्य सरकार की बस के ड्राइवर हेलमेट पहनकर बस चलाते दिखे, ताकि प्रदर्शनकारियों की ओर से अगर उन पर हमला हो तो उन्हें चोट न आए। कुछ राज्यों में जहां ये प्रदर्शन हंगामेदार रहा तो कहीं इसका मिला जुला असर देखने को मिला। ट्रेड यूनियनों की 16 सूत्री मांगे हैं, जिनमें मिनिमम वेज को 21,000 रुपए करने की मांग, सभी के लिए उच्च बेसिक पेंशन की मांग, श्रम सुधार पर त्रिपक्षीय चर्चा की मांग, लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर सरकार के फैसलों को वापस लेने की मांग के साथ ही कई और मांगे भी हैं। अब इस एक दिन के भारत बंद का असर कई चीजों पर पड़ रहा है, जहां बैंक कर्मचारी और अधिकारियों की बैंक हड़ताल में शामिल होने से बैंकिंग सेवाओं पर असर, बैंकों की कई शाखाएं बंद हैं, वहीं ATM सेवाएं भी प्रभावित हैं। वहीं इससे पहले हड़ताल को देखते हुए सरकार ने कहा था कि अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल में शामिल होता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे, वेतन काटने के अलावा उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन का असर अब कैसा होता है।